हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका बहुत ही मोटा जो खर्चा है वो होने से बच जाएगा। हम बात करने वाले हैं कार के व्हील के एक्सल। जो नॉर्मल एक एक्सल जो होता है वो मार्केट में आपको 4,000-5,000 के आसपास मिलता है। तो ये मेरी कार है ऑल्टो, और ऑल्टो के दोनों एक्सल में आवाज़ आ रही थी, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से। एक्सल चेक करने का जो प्रोसीजर होता है वो आप खड़ी गाड़ी पे अगर थोड़ा सा स्पीड में कार को टर्न करेंगे, तो कट 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 करके आवाज़ आ जाती है। अगर राइट साइड आपने टर्न करा और राइट साइड से आवाज़ आ रही, तो इसका मतलब ये है कि राइट का एक्सल आपका कभी भी निकल सकता है, और लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे और स्पीड में टर्न करेंगे तो लेफ्ट साइड का एक्सल। तो आज मैं आया हूँ अपनी कार को लेके एक्सल रिपेयर कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एक्सल रिपेयर भी हो जाते हैं। नॉर्मल एक्सल रिपेयर हो जाता है और उसकी 6 महीने की वारंटी भी होती है। 6 महीने के अंदर अगर एक्सल आपका ख़राब हो जाता है, 6 महीने तक इसकी वारंटी होती है, अगर 6 महीने के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो रिपेयर करके आपको देते हो। बहुत ही रीज़नेबल रेट है। अगर एक नया एक्सल आप लेने जाते हो तो ऑल्टो का मुझे लग रहा है करीब 3,000-5,000 समथिंग एक साइड का एक्सल है, और दोनों साइड के एक्सल करीब आप 5,000-10,000 के अप्रॉक्स आएंगे। बट यहाँ पे जहाँ पे मैं एक्सल रिपेयर कराने आया हूँ बहुत ही कम खर्चे में, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने एक्सल को खोला है। ये देखिए, अभी एक्सल खोल रहे हैं ये, अभी ये राइट साइड का एक्सल ओपन कर रहे हैं, और अभी ये ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सल कैसे निकलता है और एक्सल चेक कैसे करते हैं। वीडियो में बने रहिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, देखो एक्सल निकालने का प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे, और अभी ये फाइनली एक्सल इन्होंने ओपन, उसका इन्होंने नट वट खोल दिया है। अब इसको बाहर की तरफ ये निकालेंगे और ये चेक करके बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, यहाँ से इन्होंने नट खोला इसका, और ये जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से नट खोल के प्रॉपर इसको हटा दिया है इन्होंने, और नक्कल को हटा दिया। अब नक्कल हटाने के बाद ये एक्सल होता है दोस्तों, ये एक्सल है। अब नीचे इन्होंने एक उसके नीचे वो रखा है तसला, जिससे कि इसके अंदर गियर ऑयल निकलेगा ना, क्योंकि जब ये एक्सल निकालेंगे तो इसके नीचे से गियर ऑयल निकलेगा, और गियर ऑयल होता है जो, क्योंकि ये एक्सल भी होता है ये गियर के अंदर ही चल रहा होता है। ये देखो, ये निकला है दोस्तों, ये राइट साइड का एक्सल, इसमें 2 एक्सल होते हैं। अब देखिए नीचे, देखिए यहाँ पे गियर ऑयल निकल रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो नीचे तसला, ये गियर किस साइड से, इसमें कुछ पता चलेगा किस साइड से आवाज होता है? ये राइट साइड से गड़बड़ है ना, ये वाला, ये यहाँ से गड़बड़। दोनों जा चुके हैं, ओके, दोनों रिपेयर होंगे, ओके ठीक है। सो दोस्तों, ये था राइट वाला एक्सल, बाकी अभी आपको लेफ्ट वाला भी दिखाते हैं। पहले राइट वाला ओपन हो गया, नक्कल, और इसी के अंदर हमारा व्हील टाइट होता है। अभी इसको ये ओपन करेंगे एक्सल निकालने के लिए। तो उस्ताद जी, इसको ओपन करिए आप। ये यहाँ पे लॉक लगा होता है, स्टीयरिंग लॉक होता है बाल जॉइंट, बाल एंड का। अभी पहले इसको ओपन कर रहे हैं ये, क्योंकि लॉक निकालने के बाद इसको खोलेंगे, और इसको निकलने के बाद ही ये नक्कल निकाल सकते हैं। और ये इसका डिस होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम, हाँ ये कट गई है ना, ये हाँ खराब हो गया, सही हो जाएगा। हाँ, ये खराब पे ले जानी पड़ेगी, ये एकदम प्लेन हो जाएगी ना जी भाई। जब पैड बदलवाएंगे, जब करवाएंगे। हाँ, ब्रेक पैड तो भी बहुत अच्छे हैं, अभी नए नए पैड हैं एकदम। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने चोट मारी, और इस पर चोट मारो मारो कोई दिक्कत नहीं, इस पर हल्की चोट मारनी पड़ेगी क्योंकि ये फट जाता है। ये देखो, हल्का सा इशारे से खोलना होता है, हल्की सी इन्होंने चोट मारी, और ये देखो, इस एक्सल का तो पूरा बैंड बजा पड़ा है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, इस वाले एक्सल का तो पूरा बैंड बजा पड़ा है, क्योंकि इसका जो ऊपर का बूट उट है पूरा फट गया है। इसका जो बूट है पूरा फट गया है दोस्तों, ये देखिए, ये जो बूट होता है ब्लैक वाला, देखिए ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये रबड़ होती है, जो इसके अंदर पूरा ग्रीसिंग ऑयलिंग होती है, ग्रीसिंग होती है, इसके अंदर छर्रे होते हैं जो एक्सल को मूव करते हैं, और स्टीयरिंग जब लेफ्ट या राइट हम टर्न करते हैं तो उससे ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो ग्रीसिंग होती है। अभी ये फटने के बाद इसके अंदर पूरा डस्ट वगैरह, मिट्टी, धूल मिट्टी गई है, जिसकी वजह से ही तो छर्रे कटते हैं। जब ये बूट फटता है
एक्सल खराब होने का मेन कारण यही है, यही है। अगर ये बूट नहीं फटा होता तो शायद इतनी जल्दी ये एक्सल नहीं खराब होता, क्योंकि राइट साइड वाला जब आपने एक्सल निकाला है तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं है ना, उसके कोई भी बूट नहीं फटे थे, पर इसका पूरी तरीके से बूट फट गया है, इसका ज्यादा, और ये ज्यादा आवाज भी कर रहा है, वो वाला बहुत कम आवाज कर रहा था, ये ज्यादा आवाज कर रहा है, कट 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 के आवाज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो अभी इसको निकालेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि निकालने के बाद देखिए थोड़ा सा चोट मारनी पड़ती है ताकि ये अभी अटका हुआ है पूरा नक्कल में फंसा हुआ है, थोड़ा चोट मारने के बाद क्या होगा ना थोड़ा सा ये देखो निकल गया, बहुत प्यार से होता है क्या ना इन लोगों को इसका तजुर्बा होता है निकालने का। देखिए अब यहाँ से ये नक्कल निकालेंगे, ये निकल गया, अभी दिखाना देखो उस्ताद जी ये क्या है, ये देखो इसका बैंड बजा पड़ा पूरी तरीके से, जरा भाई इसको उठाना उस्ताद जी, ये वो राइट साइड वाला था, राइट साइड वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा है, देखो ये देखो ये जो फट गया है ना इसके अंदर देखो पूरा डस्ट वगैरह चला गया, इसलिए इसके अंदर जो ग्रीसिंग वगैरह होती है तो इसका बन गया है पूरा बैंड, बज गया पूरा बैंड। अब ये जो है इस साइड वाला देखो नहीं फटा है, हालांकि खराब ये भी हो गया है क्योंकि इसके अंदर डस्ट नहीं गया, लेकिन ये पूरी तरीके से बूट फट गया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो अब देखते हैं उस्ताद जी इसको कैसे बनाएंगे, चलिए। और प्रॉपरली वहां से इन्होंने दोनों एक्सल लेफ्ट और राइट साइड के दोनों ओपन किए और ओपन करने के बाद इसको भी क्लीन कर रहे हैं, और ये वाला तो सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि उसका बूट पूरी तरीके से फट गया, बाकी जो राइट साइड वाला था वो बहुत कम आवाज कर रहा था, के अंदर पूरा डस्ट वगैरह गया है जिसकी वजह से वो पूरे छर्रे और जो है कट गए हैं। ये देखिए ये रिपेयर हो चुकी है, ये प्रॉपर रिपेयर हो चुके हैं, ये जो पुराने एक्सल होते हैं वो रिपेयर होने के बाद यही वापस ये लगाते हैं। तो रिपेयरिंग में आप क्या क्या चीजें चेंज करते हैं? बैरिंग और छर्रे। तो ये कितने मंथ तक चलते हैं? लगभग 6 महीने की गारंटी होती है, बट चल जाते हैं ज्यादा। तो देखिए काफी सारी इनके पास सारे एक्सलों का ही काम है, टोटल ऑल टोटल सारी गाड़ियों का काम है एक्सल का। अभी जो मेरे एक्सल इन्होंने ओपन करे हैं यहाँ से, तो देखिए ये सारे एक्सल ओपन करे, अभी छर्रे निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं चिलम है ना, ये चिलम होती है और ये बोतल है, ये बोतल है, ये चिलम है। छर्री किसके अंदर चलती है? तो दोस्तों अभी देखिए इसके अंदर फिटिंग हो रही है और इसके अंदर भी छर्रे डाले जा रहे हैं, ये चिलम है ना, इसके अंदर चिलम के अंदर न्यू छर्रे इन्होंने फिट किए हैं, और यही छर्रे जो है यही जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो एक्सल घुमाने में यही मदद करते हैं, और यही छर्रे कट जाते हैं, कटोरी कट जाती है ना इसकी, जिसकी वजह से आवाज़ आने लगती कट कट के, बैरिंग कट जाता है, बैरिंग कट जाता है। तो दोस्तों ये लेफ्ट साइड वाला एक्सल था, ये रेडी हो चुका है, इन्होंने प्रॉपरली इसको कंप्लीट कर दिया, इसके अंदर जो वायरिंग छर्रे कटोरी जो भी पड़नी थी प्रॉपरली इन्होंने ओके कर दिया, अब ये रेडी हो चुका है, ये अभी इसको फिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस पर डेट डाल दिया इन्होंने, डेट डाल दी 30/11/24, ये आज की डेट है, ये 6 मंथ तक वैलिड है। तो दोस्तों ये रेडी हो चुका है, अभी ये प्रॉपरली इन्होंने इसको रिपेयर करके कंप्लीट कर दिया, अब इसको फिटिंग करने जा रहे हैं, ये रेडी हो चुका है, अब इसको ये फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करने के बाद इसका नक्कल वगैरह लगा देंगे, फिर उसके बाद ट्रायल करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाला है, अभी राइट साइड वाला भी रेडी हो रहा है, तो जब ये कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको वापस आपको ट्रायल पे करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वो था लेफ्ट साइड वाला एक्सल और ये आया राइट साइड वाला, लेफ्ट और राइट दोनों मेंटेन हो गए हैं, लेफ्ट वाला जो होता है छोटा होता है, इतना बड़ा होता है,
और जो राइट वाला होता है वो इतना बड़ा होता है। तो ये दोनों बड़े, ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये भी रिपेयर हो गया, वो भी रिपेयर हो गया। लेफ्ट वाले का बूट फट गया था, ये वाला। अब ये दोनों बूट इन्होंने चेंज करे, एक ये बूट नया लगा, एक पुराने ही है ना। और इस पर भी डेट डाल दिया इन्होंने। अब ये इंजीनियर साहब आ गए, अब इसको फिटिंग करेंगे। डाल दी थी अंदर, ये बन गया, हाँ, टाइट हो गया ना, पूरा टाइट है। पहले लूज था ये, अब टाइट हो गया है। अब डाल दो अंदर इसमें, गियर बक्से में। ये क्या लॉक लगा रहे हैं? लॉक है भाई। अच्छा, लॉक लगा नहीं था पहले? हाँ, ये लॉक लगी नहीं थी। खराब थी इसमें, लॉक से दूसरे तरीके से बैठेगा भाई। इसी डेट पड़ी है भाई। अच्छा, डेट पड़ी है, देखो इस पे डेट डाल दी इन्होंने। डेट पड़ी भाई, ये देखो। अब ये फिटिंग कर दो इसको, इसको फिटिंग कर देंगे। उस साइड वाला फिट हो गया, जिसका गियर ऑयल निकला था उसको भी डालना होगा ना। क्या नाम है आपका? चांद। कानपुर से यहाँ आते हो? डेली कैसे आते हो? ट्रेन से, इंटरसिटी से? सही है। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो आप? 7-8 साल। 7-8 साल हो गए, मतलब 7 × 14 = 15 साल। सही है। फिर चलो फिटिंग करो। तो दोस्तों, जब एक्सल निकालते हैं तो ये गियर ऑयल निकलता है। अब देखिए, गियर ऑयल एक चाशनी जैसा है, काफी टाइम से इसको चेंज नहीं कराया गया है ना जी। गियर ऑयल लगभग ये खराब हो चुका है। और कब कितना निकला था इसके अंदर? आधा लीटर निकला। और लगभग 1 से 2 लीटर गियर ऑयल पड़ता है गियर बक्से में। तो अभी ये जा रहा है पूरा अंदर। और क्योंकि जब एक्सल निकालते हैं तो गियर ऑयल भी निकल आता है। आधा लीटर कम है इसमें, तो टॉप अप करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरा ऊपर उठा के रख।